बिहार के सियासी पारे में अचानक गर्माहट आ गई है। सीएम नीतीश कुमार अचानक बिहार के वजीर खारजा विजय चौधरी के साथ राजभवन पहुंच गए और गवर्नर से मुलाकात की। राजभवन में ये मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। इसके बाद सीएम नीतीश ने मीडिया से दूरी बना ली। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बजट सेशन को लेकर गवर्नर से बात की है। इस मीटिंग के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है और कई तरह के कयासों का दौर भी शुरू हो गया है। सीएम नीतीश गवर्नर से मिलने पहुंचे तो साबिक सीएम जीतन राम मांझी ने बड़े सियासी उलटफेर की ओर इशारा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी कर दिया। उन्होंने लिखा, बंगला में कहते हैं खेला होबे, मघी में कहते हैं खेला होक, तो भोजपुरी में कहते हैं खेला होकी, बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। खुद गए हैं बिना कोई सहायक एडी के, सिर्फ सिर्फ विजय चौधरी जी या उनका जो अपना है उनके साथ, तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक बातें होगी। वो राजनीतिक बात में क्या हो सकती है, कयास ही लगाया जा सकता है। इस पोस्ट के बाद आरजेडी ने जीतन राम मांझी को परेशान नहीं होने की नसीहत दी। माननीय मुख्यमंत्री जी का महामहिम राज्यपाल से मिलना एक सामान्य प्रक्रिया है और ये सामान्य बात है। ये आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी परेशान ना हो, जो खेला होना था वो खेला हो गया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में मुलाकात तो होती रहती है, इसको लेकर कुछ भी कयासबाजी लगाना, राजनीतिक दलों को प्रतिक्रिया आदि देने से बचना चाहिए। इधर बीजेपी ने भी नीतीश कुमार की गवर्नर से मुलाकात पर तंज कसा। कहीं न कहीं लालू जी के दबाव में ही ये राज्यपाल महोदय से मिलने गए हैं, चूंकि दोनों एक दूसरे पर दबाव की राजनीति कर रहे हैं, ठगने की राजनीति कर रहे हैं और आपस में इनका गठबंधन लड़ा हुआ है। हालांकि जेडीयू ने इस मुलाकात को नॉर्मल बताया है। राज्यपाल के यहाँ जाना मुख्यमंत्री जी का, हमको तो नहीं लगता है कि किसी भी तरह का चर्चा का विषय है। और मुख्यमंत्री जी तो हमेशा जाते ही रहते हैं समय समय पर, और फिर राज्यपाल के यहाँ मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे तो फिर अगर किसी भी तरह का शैक्षणिक क्षेत्र में अगर कोई काम है तो जाते रहते हैं और विमर्श करते रहते हैं। बेशक नीतीश कुमार की राज्यपाल से मुलाकात को अजीम इत्तेहाद नॉर्मल बता रहा है, लेकिन सियासी हलकों में कई चर्चाएं हैं। इलेक्शन स्ट्रेटजी एक्सपर्ट प्रशांत किशोर ने नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार को खुद पता नहीं कि वो लोकसभा इलेक्शन के नतीजों के बाद किधर जाएंगे। 24 के लोकसभा नतीजों के बाद नीतीश कुमार किस दिशा में जाएंगे ये धरती पर कोई नहीं बता सकता है, नीतीश कुमार भी नहीं बता सकते। जैसे जैसे लोकसभा का इलेक्शन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी गलियारों में हलचल बढ़ती जा रही है। अब तो किसी की फॉर्मल मुलाकात पर भी चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा है, जैसे बिहार में गवर्नर और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद शुरू हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।